तो जी राम राम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और उम्मीद है सारे भाई अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, खुश हो गए। भाई अभी मैं आ रहा हूँ हिसार में, और हिसार में नवदीप कॉलोनी चेरिस डिजिटल वर्ड्स लोकेशन, और मेरे साथ सोनिका मैम वही जुल्ला जो कुछ दिन पहले मिलवाया था आपको। मैम धन्यवाद और स्वागत है मेरे छोटे से चैनल पर एक बार फिर। सभी को मेरी तरफ से राम राम, और आज फिर दोबारा ये यहाँ टपका है। मैडम इतना प्यार से कैसे बोल रहे हैं, मतलब राम राम मिन प्यार से, क्यों इज्जत हजम नहीं होती? ना होती मैडम, सच्ची में इसलिए तो बोल रहा हूँ। भाई सोनिका मैडम का शूट था हिसार, और फिर मैडम ने बताया, मैडम ने क्या बताया, मैंने पूछा कि मैडम कहाँ पे हो, मैडम ने बताया हिसार, तो मैं क्या मैडम आ जाता हूँ मैं, मैडम ने मना कर दिया था, लेकिन मैं फिर भी आ गया। मैडम मना क्यों किया था? ये सच है कि पहले इसका कॉल आया मुझे कल कि आपका कोई हिसार में शूट है, तो मैंने कहा नहीं, तो बोलती सिरसा है। हाँ मैंने कहा सिरसा है, तो इसने कहा मैम हिसार में है, मैंने कहा नहीं। सुबह फोन आया कि हिसार में शूट है मैम, मैंने सोचा किसी ने बता दिया होगा, मैंने बोल दिया, मैं कहा हाँ है, तो मैं माज हूँ मैं। अब मना कौन करे यार। भाई मेरे सोर्सेज बड़े तकड़े हैं, मैंने पता चल जाओ किसका कहाँ पे शूट है। मैडम मेरे सोर्सेज बड़े तकड़े हैं। मैडम पहला सवाल, आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट सबसे पहले ऑडियंस को बता दो। भाई एक प्रोजेक्ट हो तो मैं बताऊँ, सबने पता है रोज के एक मेरे गाने करो। हाँ देख भी लिया होगा कैसा हाल है, पैसे भी काफी कमा रहे होगे। तुम हर बार पैसों पे क्यों आते हो यार? मैडम पिछले इंटरव्यू में, पिछले इंटरव्यू मैडम मैंने नहीं पूछा है, बट मेरी मेहनत तो नहीं दिखती कि लड़की कितना मेहनत करती है। पिछले इंटरव्यू में मैडम मैंने पिछले पूछा नहीं, मैडम पिछले इंटरव्यू में आपकी इनकम तुमने ये नहीं पूछा, मैडम आपने खाना खाया? मैडम खाना तो नॉर्मली बात खाओगे, पैसे की नहीं बताते ना, पैसे कितना कमाते हैं। नहीं मैंने खाना नहीं खाया आज, खाना नहीं खाया मैडम, नहीं खाया। भाई मैंने बहुत मेहनत करती है मैम, अभी कर रही थी वहाँ पे एक टेक को लगभग 6 बार 7 बार 8 बार करना पड़ता है, बहुत मेहनत ज़्यादा करती है मैडम, थकते नहीं आप? थक जाते हैं बट क्या करें, अब काम तो है, काम को अगर दिल से नहीं करेंगे तो फिर वही बात होती ना, फिर तो अपने घर जाओ भाई। अच्छा वो भी मैडम, अंजलि मैम से मैंने पूछा था कि उनकी इनकम से कितनी कार आ जाएगी, क्या जाएगी, कितनी कार आ जाएगी, कौन सी कार आ जाएगी एक महीने की इनकम से, अंजलि राघव, अंजलि राघव से आपसे पूछ रहा मैडम एक महीने की इनकम की कितनी कार आ जाएंगी, कितनी कार आ जाएंगी, क्या हद है, एक भी नहीं आएगी। हाँ आ सकती हैं, वो कहते हैं ना कौन से वाली कार थी, वो टाटा की जो उनसे आई थी छोटे वाली, कौन सी थी? अच्छा, खिलौना टाइप। हाँ वही आ सकती है, दो आ जाएंगी। भाई बताऊंगा ये कैमरा आ गया, सच्ची में कैमरा पीछे तो मैं बता दूंगा लाइव आगे के दिन के दिन की सच्चाई जरा की। नहीं नहीं सच, सच तो सच है, सबको पता है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितना हम लोग कमाते हैं ये लोगों को ये लगता है कि भी हाँ महीने का 2 लाख कमा रही है, 3 लाख कमा रही है, लेकिन ये भी तो होता है कि ड्रेस का लगता है, लोकेशन पे जाते हैं, गाड़ी का भी, हर चीज़ का सेम पड़ जाता है। अच्छा कुछ नहीं, दाल रोटी चल रही है। हाँ बस यही होता है कि ठीक है बस भाई, और क्या, बस पब्लिक का प्यार मिल रहा है, लोग जान पहचान जाते हैं। अच्छा। बस यही है और कुछ नहीं है। मैडम आज कौन से गाने का शूट चल रहा है आपका? आज भाई सॉन्ग का टाइटल है जाट करके है, और जाटो का, हाँ जाट ब्रांड, सॉरी आपको पता, मुझे नहीं पता। हाँ मैं तो, देखो ना दिमाग लगाऊं मैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक्ट कर रहे हैं वो सर, जो वो ताज होटल वाला अटैक याद होगा आपको, तो उसके जो मेन वो थे, कमांडो थे, तो आज वही सर हैं, तो उसके उनके साथ में शूट किया है, बहुत ही मज़ा आया, अच्छे मतलब कि बंदे भी अच्छे बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा। उनकी मैम से भी मिले। अच्छा। और पूरी टीम से अच्छा लगा, उनकी अच्छा लगा मिलकर। हाँ हाँ मैडम, पहली बार मैं थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, शादीवादी के बारे में क्या ख्याल है मैडम? शादी, हाय रब्बा, शादी जिस दिन शादी करूंगी उस दिन तो बताऊंगी ना सभी को कि मैं शादी करने जा रही हूँ, अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है शादी वादी का। अच्छा नहीं मैडम, मैं पूछ रहा था, बोल रहा था कि एक भारत में हरियाणा है, उसमें एक यूट्यूबर है छोटा सा, उसमें मतलब वीडियो ठीक ठाक बना हुआ है। अच्छा। लोग जाना भी है थोड़े बहुत। हाँ। तो उसका वो लाइन में है कि थोड़ा बहुत? नहीं नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, और मुझे फील्ड के बंदे से तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैडम मैं तो अलग फील्ड का हूँ ना, मैं तो वो सॉरी मैं नहीं, वो तो पत्रकार हो गया। इनकी बात ये होती है, ये कैमरे पे तो आता ही है, मुझे नहीं करनी। वो तो मैडम पत्रकार है ना, आप मॉडल हो, पत्रकार है। अच्छा पत्रकार फिर रोज मेरे भेद खोल लेगा। मैडम एक सवाल है मेरा आपसे, मतलब जिंदगी में मैडम बहुत बार ऐसे किस्से होते हैं एम्बैरेसिंग, जो मतलब पहले के होते हैं जैसे बचपन के, या फिर पहले 2-3 साल पहले के, जिनको अभी कभी दिमाग में आ जाती, खाली बैठते हैं तो मतलब फिर लगता है कि यार वो क्या था, मतलब बेवकूफ़ी लगती है, उस पर हंसी भी आती है, ऐसा कोई किस्सा अपनी ज़िंदगी का? मेरी ज़िंदगी का भाई उनकी फील्ड में रहते रहते भी बहुत सारे हुए हैं, और जो बचपन की मेरी बहुत सारी यादें हैं कि मैं एम्बैरेसिंग किस्सा, मतलब आप सोचो आप हंसी आंदी हो फिर आपने, मतलब मैंने क्या करा था उस टाइम, वो
एक किस्सा है कि ना, एक बार हम गांव में रहते थे ना, तो तब क्या हुआ था, मेरी छोटी सिस्टर थी, उसका किसी ने मार दिए थे। अच्छा। हाँ, तो मेरी बहन मेरे तक कहने लगी कि मेरा उसने मार दिए। मैं अच्छा, मैंने लेगा डंडा, उसको इतने मार दिए, मेरे पीछे लाग लिया, मैं उस आगे भाग रही हूँ, मेरे पीछे पीछे, पहले मैंने संभारा, फिर वो मेरे पीछे मैंने ढूंढा कि यहाँ कहाँ मिलेगी। उस दिन मैं, अब सोचती हूँ ना मैं कि क्या था वो बचपन में, कितना पीट दिया उसको, और वो मेरे को पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे भाग रहा है बेचारा, आज तो उसने मारूंगा, जीत है। मैडम क्या लगता है, मैडम कर सकती हैं ऐसा चीज काम? भाई मैडम की आवाज़ तो अलग है, मैडम कहीं बार फोन डाऊंगी सीधा, कोई तो क्या करे, हेलो मैडम सीधे बोलोगी, बोल क्या काम है? एक बात है, पता क्या है, अगर प्यार तो बोल रहा है, अगर मैं यूं करूंगी हेलो, तो लड़का बार बार कॉल करेगा मुझे, पूछेगा हेलो मैम ये वो, सीधा ही बोला अगर मैं, हाँ सोना हेलो, पहली अड़का यही बोलती हूँ मैं, तो अगला बंदा सोचता भी किसी छोरे ने फोन उठाया। हाँ, पहले अड़क जाओ मैडम, मैं तो पहली बार उठाया जब सोच रहा था मैम का मैनेजर है फिर कोई और है। मैनेजर भी उठाता है वो ना, ऐसी बात नहीं है कि मैनेजर नहीं उठाता है, मैं भी एक सेकंड फोन आ गई हूँ। जी जी मैडम, फोन अटेंड कर सकते हैं आप, बीच में कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर में करूँगी अभी थोड़ा पर्सनल है तो वही थोड़ा आगे मैनेजर उठाता है फोन। तो मैडम मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो मेरी ऑडियंस है वो आपसे वो सुनना चाहती है जो बचपन में बोला करते थे, 5-10 बार प्रैक्टिस करते थे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, वो मैडम बोल के दिखाओ 15 सेकंड में 20 बार। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़, मुझे नहीं पता। मैडम मैंने बोला था कि नहीं बोल पाए, तो मैं कैसा सवाल पूछूंगा जिसका सवाल आपको, जिसका जवाब आपको आया ना में देना पड़ेगा। ना मैम, या कुछ भी बोल सकते हो तुम तो, हाँ में हो सकता है मुझे सही ना लगे उसकी हाँ करा दो, जो मुझे सही ना लगे उसकी ना, पूरा कर दो मैडम आप। क्या वैसे बोल के दिखाओ, चलो चलो, क्या सवाल मैडम? हाँ सवाल बोलो आपका। भाई मैडम शादी के बारे में, शादी हाँ करूँगी पर अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। अच्छा। हाँ मैडम, हमारी ऑडियंस के सवाल आए थे कि मैम पे गाने गवा के देखना थोड़े से, अंताक्षरी टाइम में गाने गा के दिखा दो एक दो। अच्छा मुझे गाना गाना है। हाँ, आप अक्सर मैं दूंगा आपको कोई भी अक्सर से गा दो, अच्छा सा गाना मैं से गा दो, चलो हरियाणवी या हिंदी कुछ भी। नहीं भाई ये चीटिंग है, ये चीटिंग है। ये मेरा मैनेजर है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, भाई भी इनकी दिखा दो गाना कौन सा अभी जुगा रहे थे। मैं निकला गड्डी ले, गड्डी लेके मैम कैप है, आप गाओ, आप मत बोलिए भाई कैप है, कैसे नहीं हम तो उससे गाएंगे वो वाला मैडम किसी पे गा दो कोको लेगी रे ए वो गाते हैं कि तू वो वाला बालाजी चाड़ा पाड़ दे, काट के भूत लुगाइया के लोगा में बाड़ दे। मैडम आप गाना क्यों नहीं गाते फिर? गाना जिसे मना गा दिया फिर मैंने सोचा इन सिंगरा का क्यों होगा। मैडम बहुत प्यारी आवाज है आपकी, ऑडियंस बहुत पसंद करती है आपकी आवाज, प्यारी है। इनकी मजाक बना रखा दिलेर का और मेरा कि दिलेर सर का को फोन करते हैं तो ये लगता है कि जैसे दिलेर बात कर रहा है, और दिलेर को कॉल करते हैं तो ये लगता है कि सोनिका को फोन कर रहा है। मैडम ये बात मत बोलना बेवजह, फोन मन फोन सच है सच है। मैडम फोन मन बजने लग जाएंगे बेवजह मेरे, फिर उसके बाद वीडियो हटा दे, क्वेश्चन क्यों करते हो? हां तो भाई साहब वीडियो हटा दे, नहीं तो ठीक नहीं रहेगी बात, मुझे इसको काटना पड़ जाएगा। तुम इतने डरते हो? नहीं मैडम डरता नहीं, मेरा बहुत दिक्कत है ना थोड़ी फोन, सब इसकी दिक्कत है, चेक करवा। इंडस्ट्री मैडम बनकी रहना ना सबके साथ में, इसमें कौन सी बुरी बात है, इस तरह तो मैं भी मार सकूं इस बात को तो। ओके मेरी आवाज लड़को जैसे क्यों बोलते हो भाई? अब दोनों बैठ गए, नहीं मैंने ना बोलने दे, अब दोनों बैठ गए मैंने ना बोलने दे। मैडम अगली बार हम कहाँ पे मिलेंगे, कौन से शूट पे? अगली बार हम कहाँ पे मिलेंगे? मेरा ब्याह में आइए तू। मैडम आप ही रिपोर्टर के ऐसे अच्छा हूँ या फिर एज गेस्ट आऊँ? गेस्ट। अच्छा क्या उठे? ना ना मैं नहीं चाहती ना कि उस दिन भी तू इतना बिजी रहो, क्योंकि उस दिन मैंने अपने हस्बैंड का टाइम देना है, तेरे तो थोड़ी दूंगी मैं, यो उधर क्वेश्चन करता मैं तो 8 मिनट लेता हूँ मैडम सारी घंटे, मैं कहाँ पे ज्यादा टाइम, फिर बच्चे 23 घंटे और 42 मिनट आती है बराबर दे मैं क्या रखेगा। तो क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूँ उसकी 8 मिनट, ओ माई गॉड सुतनी कैपेसिटी है मैडम 8 मिनट दिन में, दिन में 8 मिनट आपका टाइम लूंगा मैं, ओ माय गॉड दिन में सिर्फ 8 मिनट टाइम लूंगा मैडम, 8 मिनट हाँ फ्रेश बोल लो ना।
मैडम बोलूं कि नहीं बोल दो मैडम कुछ कुछ हो सकता है गलत भूल जाए इसलिए मैं नहीं चाहती ना अगला गाना मैडम अगला गाना भी मेरा आने वाला है गा दो गा दो हाँ अंताक्षरी खत्म थोड़ी हुई अभी कौन सा बताओ बालाजी वाले पे कौन सा खत्म किया आपने कौन से अक्षर पे खत्म किया बालाजी चाला पाड़ दे पाड़ दे दे पे सुना दे 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 प्यार दे भाई में टैलेंट यार भाई ने टीम में लेना पड़ेगा भाई कुछ करवास का है कुछ करवास का है नू करवाती को नहीं मैडम दे दे प्यार दे पूरा गा पहले तू मैं नहीं गाती इसी इसी बात कहने की थोड़ी अगर दे दे प्यार दे बता के प्यार ये दोनों मिलके गा देना फिर हम कुछ और गास का है और कुछ गा दो मैडम मैंने तो बोला ही नहीं आपने गाया दैसे और कुछ गा दो काफी गाने हैं पोएम सुना दो बाबा ब्लैक्स कमीन है पता नहीं क्या होगा और मैडम मैं एडिट नहीं करूंगा वीडियो को बिल्कुल भी ना भी किसी के कहने से हो सकता है कोई वर्ड ऐसा हो कि जो सही ना लगे किसी को तो ऐसा मैं कर दूंगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं नहीं हुआ पिछले वीडियो में 8 मिनट में होया था 8 मिनट में होया था नहीं मैडम दे दे प्यार चलो तुम दिल की धड़कन में गा दो फिर तुम दिल की सीरियस हो गए मैडम गाना अच्छी आवाज में सीरियस हो गए अच्छी आवाज में तू भी बेल पकड़ का फीलिंग लेवा पता क्या है मेरे को ना सिंगिंग बिल्कुल भी आती नहीं जीरो अच्छा हां तो मैं नहीं चाहती ना मेरी इतनी गंदी आवाज किसी को सुनाऊं बाकी तो आवाज पड़ी आया जाए गान गाजी कर जाए मैडम क्या कहना चाहोगे ऑडियंस से लास्ट में बस यही कहना चाहूंगी कि भाई मेरे लिए देखते रहा करो उसकी वीडियो ने लाइक कर दे रहा करो शेयर कर दे रहा करो इसके चैनल ने सब्सक्राइब कर दो ना तो हमारा पीछा ना छोड़ दे पीछा तो मैडम फिर भी ना छोड़ता हाँ बिल्कुल कुछ ना कुछ करवा के छोड़ा अच्छा लड़का है रोहित तो इसके चैनल ने सब्सक्राइब करना और जो वीडियोस होती है उनको सबको शेयर किया करो कमेंट मैडम जब आया ना मैडम हिम्मत मिले और किसी के पास भी जाने की सबके पास उनकी आज ही इंटरव्यू है कल उधर है भड़क देंगे रखे लोगों को नहीं मैडम स्टार्टिंग में आया मैडम मैंने बोला मैडम मैं प्रमोशन करने आया हूँ मैडम बोली प्रमोशन मारा करना आया खुद का करवाना आया सही बात है ये कि मैडम इंटरव्यू लेने नहीं आया मैं आज तो मैं प्रमोशन के लिए आया मेरा प्रमोशन किस चीज़ का कि आपका कोई सॉन्ग आ रहा है जाट नहीं करती मैंने कहा अच्छा देख अब क्या करवा दिया बाकी मटको बना होगा डीजेट अब के मतलब अब के साल का है मटको जो सिंगर है उसके मासूम शर्मा और मनीषा नहीं है मासूम है मटको का हाँ और सारे गाने भाई याद ना रहो ना अकेले मासूम शर्मा जी हाँ अकेले मासूम शर्मा जी और उसका म्यूजिक जी आर ने दिया है और लिखा है बिट्टू सोरखी ने जी अच्छा सॉन्ग है और एक्ट मैडम बहुत सारी एक बात मैं पूछना हूँ जी आर से सारे म्यूजिक आते हैं मैडम क्यों क्योंकि डीजे का जो किंग अभी म्यूजिक देने वाला शायद मेरे हिसाब से तो जी आर ही बेस्ट है सबसे बेस्ट हरियाणा मैडम जितने भी गाने सुनता हूँ सारे लगभग जी आर के हाथ हाँ जी आर के हैं क्योंकि बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ लड़का मैंने खुद भी देखा कि मेरे हिसाब से वो सोता ही नहीं है चार चार पाँच पाँच दिन कंटिन्यू लगा रहता है काम में उसकी हालत देख के मुझे कई बार ये लगा कि यार पता नहीं ये बंदा थोड़ा कभी हो जाए मेंटल मैडम ऑडियंस से क्या कहना चाहोगे लास्ट ऑडियंस से भाई क्या कहना चाहूँ मैं कहना चाहूँगी भाई सपोर्ट किया करो कोई भी जरूरत है मैडम कमेंट किया करो अभी कमेंट ना किया करो चाहे हाँ। कोई भी आर्टिस्ट हो इसमें मैं हो या कोई भी हो या क्योंकि आर्टिस्ट आप लोगों से बहुत उम्मीदें रखते हैं वो आप लोगों से बने हैं तो शायद उनके प्रति कभी गलत ना सोचो गलत ना करो गलत ना बोलो आप क्या कहना चाहेंगे भाई लास्ट बाकी मजे लिया करो मार ही डाला यो मुझे लेनती हूं आपसे तो कुछ मेरे को ऐसी उम्मीद थी सीरीज कहने की उम्मीद तो नहीं थी कि आप कुछ अच्छा बोलोगे मतलब सीरीज बोलोगे अब तो ये सब आदले कच्चे काटो ऐश करो ये चाहिए अभी जिंदगी मर गए के है उक चुको होगी तकड़ा सब 10-12 दिन रोगे ना सब चले जाएंगे भाई हां ये बात सही है बिल्कुल चलो मैडम बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए तो जी ये थी सोनिका सिंह जी और भाई अंकित भाई और बहुत मजा आया इनके शूट पे आके भाई फिर से आप लोगों को जल्दी मिलवाएंगे जब भी सार वापस आएंगे फिर से मैडम आ जाऊंगा मैं कोई दिक्कत ना आ जाना टपक जाएंगे अपने आप ही बिना ही पूछे हाँ बिना पूछे ही कोई बात नहीं अच्छा लगता है चलो चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई लाइक कर दो भाई कमेंट में डाल दियो अगली बार जो क्या क्वेश्चन पूछे मैम से और बाकी मैम के गाने आएंगे सपोर्ट करा करो और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए